स्वागत है आपका सीनियर स्पीक में। रितिक, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट डेब्यू होने जा रहा है बॉलीवुड में, तो क्या कुछ खुशी है आपकी? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पहली बार काम करने का मौका मिला बड़े पर्दे पर, तो बहुत एक्साइटमेंट है, खुशी है एंड थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, बट उम्मीद है कि अच्छा हो। लाइक टेलीविज़न जर्नी की बात करें तो किस तरीके की जर्नी रही है, थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे तो? काफ़ी लंबी जर्नी रही है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी काम करूँ, टेलीविज़न में ज़रूर करूँगा, लेकिन जर्नी जो थी वो बहुत ही संघर्ष वाली रही, क्योंकि होनी भी चाहिए, क्योंकि फिर ही आपको हर चीज़ की कदर होती है, बहुत कुछ सीखने को मिला और उन चीज़ों का मुझे इस मूवी में बहुत फ़ायदा भी मिला, क्योंकि टेलीविज़न में आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, आपके पास बहुत ज़्यादा सीन्स आते हैं, आपको परफॉर्म करना पड़ता है ऑन द स्पॉट एंड यू हैव टू शूट फॉर लाइक काफ़ी लंबे टाइम, 16-17 घंटे भी शूट हो जाता है, तो उन चीज़ों का बहुत एक स्टेमिना बन जाता है एक्टर में। और मैंने हमेशा से, जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है क्रिएटिंग एक्टर्स, तो मैंने हमेशा से कभी ये पैटर्न फॉलो नहीं किया कि मैं टेलीविज़न कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ डायलॉग्स बोलने, मैंने हर सीन हर मोमेंट के ऊपर मेहनत की, चाहे मेरा डायलॉग हो या ना हो, मैंने कभी भी उसमें ये नहीं सोचा कि मैं लाइन्स बोल के आ रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की, जिस चीज़ का मुझे अप्रोच मेरी हमेशा से एक आर्टिस्ट वाली ही रही, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो सिनेमा हो, वेब सीरीज, सीन के लिए आपकी कितनी मेहनत लगती है, उसकी क्या स्टडी कर सकते हैं, वो उसमें कभी कमी नहीं रखी मैंने। हाँ, वो अलग बात है कि वो टेलीविज़न में एडिट पे कट जाता, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बट उन चीज़ों का मुझे यहाँ पे मूवी में फ़ायदा मिला, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली काफ़ी सीन्स शूट हुए थे, और आप जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जब आप शूट करते हैं, जब आपके इधर अनुभव खेल सर हों, इधर अतुल श्रीवास्तव जी, परितोष त्रिपाठी, परेश जी, इला अरुण जी, और जब आपको बीच में खड़े रहते जब सीन सारा लीड करना, आपको कैसा लगता है वो, और स्पॉन्टेनियसली वो भी उस सीन एकदम से आ गए, तो वो चीज़ें वहाँ फ़ायदा होती है, बहुत फ़ायदा मिला, वो भी एकदम से वन शॉट में गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो सीन करके, ऐसे सीन्स और भी हैं, तो ये सब टेलीविज़न की वजह से हुआ है, क्योंकि आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, आई एम वेरी मच थैंकफुल, टेलीविज़न गिव मी सो मैनी गुड रोल्स, अपॉर्चुनिटीज एंड, और मैं खुद को भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि मैंने वो जितना भी काम था मैंने ईमानदारी से किया, जिसकी वजह से। टेलीविज़न में कोई यादगार आपका लाइक डायलॉग्स या फिर ऐसा मोमेंट रहा हो जो अभी भी आपको याद आता हो? ऐसा एक थपकी प्यार की में जो मैंने मुन्ना का कैरेक्टर लिया, उसमें रंगीला का जो आमिर खान था वैसा कैरेक्टर था, तो उसमें काफ़ी मोमेंट्स थे जो बड़े अच्छे थे। कृष्णा चली लंदन में साजन का जो गीता टिपिकल कनपुरिया, वो बिल्कुल डिफरेंट, उसमें जीजी माँ में GST का जो किया था डिफरेंट कैरेक्टर था, तो ये तीन शोज में मेरी काफ़ी मेमोरीज हैं। उसके अलावा मैंने ससुराल सिमर का किया, हरी मिर्च लाल मिर्च किया ऐसा ही, और गुड्डन तुमसे ना पाया किया, उनमें भी काफ़ी अच्छी मेमोरीज थी मेरी, लेकिन मैंने इन तीनों शोज में काम करने में मैंने बड़ा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया था, क्योंकि उसमें मुझे कैरेक्टर में वो करने को बहुत कुछ मुझे स्पेस मिली एज एन एक्टर। डायलॉग्स मुझे ज़्यादा याद नहीं, ओके। लाइक मूवी की बात करें, कुछ खट्टा हो जाए, जैसे मूवी आपकी रिलीज होने वाली है 16 फेब को, सो जब आपको ये रोल ऑफर मिला तो फर्स्ट एक्साइटमेंट क्या थी कि गुरु रंधावा के साथ काम करना है, साई मंजेकर है, तो क्या रहा है आपका? जब मैंने पहली बार सुना था कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, तो मुझे अच्छा बहुत लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था, और पर उस टाइम पे मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ और इमोशनल भी नहीं हुआ। उसकी पीछे वजह ये थी कि मैं पिछले 9 सालों से मुझ में ये चीज़ अंदर से सेल्फ बिलीफ सिस्टम था, एक मुझे भरोसा था, कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, पर मुझे वो चीज़ मिल नहीं,
हालांकि मैंने मूवीज़ के लिए ट्राई नहीं किया, मुझे एक दो ऑफर्स बीच में आई, मेरी मैं कास्ट भी हुआ था पर मैं वो कर नहीं पाया था। लेकिन मुझे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी अप्रोच हमेशा से एज एन आर्टिस्ट वाली थी, ऐसा नहीं रहा कि मैं टेलीविजन करूँ तो मूवीज़ में कैसे एक्टिंग करूँगा, एक्टिंग एक्टिंग होती, तो मुझे वो था कि मैं यहाँ कर सकता हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला था कि मैं मूवी में हीरो बनूँ, पर मुझे पता था कि आई एम ए डिसेंट एक्टर, मैं कर सकता हूँ, मुझे डेफिनेटली कर सकता हूँ। मतलब सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जब आपको पता होता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिलती, आप बैठे रहते हो, आपको कैसा महसूस होगा, और आप बस देखते रहते हो, यू आर हेल्पलेस, दैट इज़ द फर्स्ट फीलिंग। मैं बार बार एक ही एग्जांपल देता हूँ कि मुझे पता है कि ये चॉकलेट मैं खरीद सकता हूँ, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मैं ये चॉकलेट की कीमत 10 रुपये है, पर फिर भी मुझे चॉकलेट नहीं है, कैसा फील होगा? मतलब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़े और पैसे कमाने पड़ेंगे तो वो चॉकलेट आ जाए, पर जब आपको पता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ यार, तो वो होना चाहिए, तो वो एक मज़ा आता है। सही टाइम पे सही काम मिलना है सबसे बड़ा एक वरदान होता है इस एक्टर, यू नो, वो सबसे ज़्यादा किस्मत वाला होता है। सो मैं बहुत खुश था लेकिन जब काम किया, और सब वो मोमेंट बड़ा अच्छा था जब मैंने अनुपम खेर सर को मेरे सामने लिया और उनके साथ जब मैंने वो सीन किया, तो डैट वॉज समथिंग लाइक कि वाह, आई मीन मैं मुझे ये था कि यार नहीं हो पाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने अनुपम खेर सर को सामने देखा तो वापस से वो जो होता है ना, सब कुछ वापस से सामने आ गया कि यार बिल्कुल होता है, टाइम आने पर सब होता है। तो शूटिंग के दौरान सबके साथ किस तरह की बॉन्डिंग रही है आपकी? बहुत अच्छा रहा, मेरे सीन ज़्यादातर गुरु रंधावा के साथ थे, तो बहुत, हम वो भी पंजाब से हैं, मैं भी पंजाब से हूँ, तो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा ही नहीं कि वो इतने बड़े स्टार हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल हैं। जब मैंने शूटिंग ख़त्म की तो उसके बाद मुझे लोगों ने, दोस्तों ने बताया पंजाब से कि अरे यार गुरु रंधावा के साथ शूट किया, अरे ये तो बहुत बड़ा स्टार है, ओ माई गॉड, फ़ोटोज़ नहीं क्लिक की ये वो, तो क्योंकि मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करता नहीं तो मैं क्या भेजूँ उनको फ़ोटोज़, जो मेरी स्टिल्स पड़े थे वो मैंने कुछ दिखा दिए थे, जो जो सेट पे जो दादा होते हैं उन्होंने कुछ मुझे स्टिल्स दिए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। आई मीन बहुत बॉन्डिंग, बहुत लगता नहीं था कि सीन परफॉर्म कर रहे हैं, एकदम नेचुरली सब होता था, फन वे में सब हो जाता था, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के बीच में, जब आप सीनियर एक्टर्स के बीच में जब आप काम करते हैं, तो वो माहौल ही ऐसा बन जाता है कि वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि आप चीज़ों को हल्के में लें, वो मजाक मस्ती भी करेंगे और तुरंत जब एक्शन हो गया तो एकदम सीरियस, यू नो, तो वो ही माहौल चाहिए था मुझे हमेशा। मैं एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ, माहौल की बात कर रहा हूँ, चाहे आप स्टेज कर रहे हो, चाहे आप टीवी कर रहे हो, चाहे आप सिनेमा कर रहे हो, चाहे आप OTT कर रहे हो, वो माहौल होना चाहिए। मैं उस माहौल के लिए हमेशा से तड़पता हूँ। जब मुझे पता चला इसमें ये आप स्टार कास्ट देखिए, आप अतुल श्रीवास्तव, अनुपम खेर, इला अरुण जी, परितोष त्रिपाठी, सब जो पहले के तीन नाम में आप देखिए कितने पुराने एक्टर्स हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से किसी भी एक्टर को होता है यार कि यार ऐसा माहौल मिल जाए, क्या बात है, उसमें आप इतना सीख जाते हैं, इतना आपको अच्छा लगता है, वो असली एक्टर तो वहीं से पैदा होता है, आपका माहौल वैसा होना चाहिए। तो आपने लाइक टेलीविज़न एंड बड़े पर्दे में क्या डिफरेंसेस आपने देखा है काम करते वक्त? सबसे पहली बात तो यही, जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेलिंग में काम होता है, बहुत डिटेलिंग में काम, हर शॉट को बहुत मतलब बहुत माइन्यूटली शूट किया जाता है और कैरेक्टर के ऊपर पूरा काम किया जाता है, यू नो। और टीवी में क्या होता है कि टीवी में आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, टीवी में कहानी बदलती रहती है, कुछ भी कभी कुछ ट्विस्ट लेके आना है ड्रामा, मूवी में ऐसा नहीं होता। मूवी में आपको पता है कि आपने किरदार निभाना निभाना है, ये मेरा कैरेक्टर है, यहाँ पे मेरा चेंज ओवर होगा, यहाँ पे चेंज ओवर नहीं भी होगा तो मेरी ये लाइन, ये लैप पकड़ के मुझे आगे तक चलना है, तो आप वो कैरेक्टर को जीते हो एक्चुअली, आप उसके ऊपर मेहनत करते हो। और अगर यही अप्रोच आप टीवी में करोगे
तो आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस लगेगा नहीं। और ये अप्रोच मैंने ठीक है मेरा, जिसका मुझे रिजल्ट कभी नहीं मिला, मैं ही नहीं कह रहा हूँ उसका रिजल्ट मिला, मुझे कभी नहीं मिला क्योंकि एडिट पे वो सारी चीज़ें कट जाती। बट टीम में मैंने इतना जो जितना भी काम किया वो कुछ मेरे में लगा हुआ, तभी तो मुझे मैंने काम किया और मूवी मिली, वो उन्हीं चीज़ों की वजह से मिली है कि मैंने वो हर एक्टर को मेहनत करते रहना चाहिए। और माहौल सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीवी में, होता है कि फुटेज देनी है, कल टेलीकास्ट है, जल्दबाजी होती है करने के लिए, फटाफट शूट कर देते हैं। मूवी में ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं, सीन बीच में रहेगा, कल वापस ही। ओके, तो मूवी रिलीज होने वाली है, तो क्या कुछ खुशी है, एक्साइटमेंट है, क्या कुछ ऑडियंस को बोलना चाहेंगे आप? मूवी देखिए आप, अपना वक्त निकाल के, कीमती वक्त निकाल के, 16th को फैमिली फैमिली के लिए मूवी है, और अपना प्यार दीजिए ढेर सारा, एंड आई होप कि आप मूवी को पसंद करें। ओके, क्या बोलना है? हाय, मेरा नाम अभिनंदन जंगल है और आप देख रहे हैं सिनेस्पीक्स।